दोस्तों, लॉकडाउन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, लॉकडाउन मतलब लॉक योर सेल्फ इन होम। दोस्तों, हम लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमारी सरकार हम लोगों को इतना समझा रही है, हमारे सुरक्षा के लिए ही समझा रही है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, फिर भी हम लोगों के भेजे में यह बात क्यों नहीं आ रही है? हम लोग अभी भी इस वायरस को हल्के में क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, रोज हम लोग न्यूज पे देख रहे हैं इटली का क्या हाल है, पूरी दुनिया के बारे में हम रोज देख रहे हैं कि कोविड-19 पूरी दुनिया का क्या हाल करके रखा है। इटली में, पूरे विश्व में कितने लोगों की जाने जा चुकी है, फिर भी हम लोगों के दिमाग में यह बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोगों को हमारी सरकार आखिर इतना क्यों समझा रही है? उसमें हमारी सरकार को क्या फायदा है? अरे, अपनी जान के बारे में तो सोचो। घर में रहने में क्या खुजली हो रही है सब? सोचना चाहिए। भीड़ भाड़ में जब नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है, फिर भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है। पिकनिक के तौर पे लोग इस वायरस को ले रहे हैं, रोड पे तो जाना ही जाना है। अरे यार, अपनी सरकार को तो फॉलो करो, हम लोगों के लिए ही तो कह रही है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे? इसलिए पहले अपनी जान बचाओ, उसके बाद कुछ सोचना। जब हम लोगों की सरकार, गवर्नमेंट हम लोगों को इतना हिदायत दे रही है, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और कितने ऐसे संस्थाएं हैं जो कि हम लोग की सेवा में, कोविड-19 के खिलाफ हम लोगों की सेवा में दिन रात अपनी फिक्र किए बिना हम लोगों के सेवा में दिन रात खड़ी है। और एक हम लोग हैं कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, इस बात को समझें, घरों से बाहर ना निकलें, अपनी जान की तो परवाह करें। इटली की हाल आप लोग सभी को पता है, जो कि इटली पूरे विश्व में मेडिकल लाइन में जिसका दूसरा स्थान है, वह इटली आज इस वायरस के सामने अपने हाथ खड़े कर चुका है। तो हम लोगों की क्या मिसाल है? इस बात को समझे, अपने घरों में ही सुरक्षित रहें, घर से निकलने की कोशिश ना करें। बहुत मजबूरी हो, बहुत जरूरी काम हो, तब ही घर से बाहर जाएं। मास्क का और सैनिटाइजर का उपयोग तो करें ही करें। दोस्तों, समझे इस बात को, अपनी फिक्र करें, अपनी जान की फिक्र करें, अपने देश की फिक्र करें, अपने लोगों की फिक्र करें, अपने फैमिली की फिक्र करें। घरों से बाहर न जाएं। लॉक योर सेल्फ इन होम। गुड बाय।